राजस्थान इस समय पूरी तरह से चुनावी माहौल में रंग चुका है। ऐसे में राजस्थान के 200 विधानसभा के चुनावी समीकरण अब बनते और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम चुनावी नगरी में आप सभी का स्वागत है। मैं सिद्धिका मनोहर सोनी आपके साथ। पिछली कड़ी में हमने बात की थी महुआ विधानसभा सीट की, आज बात करेंगे सादुल शहर विधानसभा सीट के बारे में। सादुल शहर विधानसभा क्षेत्र गंगानगर जिले में बसा है। इस बार होने वाले चुनाव में सीट पर लगभग 2,38,484 मतदाता है, जो मैदान में उतरे हुए प्रत्याशी की किस्मत का फैसला करेंगे। इस सीट से कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने किसी नए चेहरे पर दाव नहीं खेला है। पिछली बार की तरह इस बार भी दोनों पार्टियों ने अपने पुराने चेहरे को ही मैदान में उतारा है। बीजेपी ने फिर से गुरवीर सिंह बराड़ को मैदान में उतारा है, तो वही कांग्रेस ने भी फिर से जगदीश चंद्र जांगिड़ पर अपना दाव खेला है। अब बात करते हैं यहाँ के जातिगत समीकरण के बारे में। तो आपको बता दें, ये सीट जाट बाहुल्य सीट है, मतलब यहाँ जाट मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है, जो किसी भी प्रत्याशी की हार जीत का समीकरण बना भी सकते हैं तो बिगाड़ भी सकते हैं। बता दें 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में, यानी पिछले विधानसभा चुनाव में, इस सीट पर कुल 2,16,780 मतदाता थे, जिन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार जगदीश चंद्र को 73,165 वोट देकर जिताया था। तो वही बीजेपी उम्मीदवार गुरवीर सिंह बराड़ के खाते में 63,498 वोट ही आए थे और उन्हें 9,667 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। सादुल शहर विधानसभा सीट के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो यहाँ हुए पिछले 3 चुनाव में कांग्रेस ने 2 बार जीत हासिल की है, तो वही बीजेपी सिर्फ 1 बार ही यहाँ अपना खाता खोल पाई है। आखिरी में आपको बता दें, सादुल शहर की स्थापना बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह के वंशज महाराज शार्दुल सिंह के नाम पर की गई थी। द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम चुनावी नगरी में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली कड़ी में बात करेंगे अगले विधानसभा क्षेत्र की। तब तक के लिए नमस्कार।